At a point on a horizontal line through the base of a monument, the angle of elevation of the top of the monument is found to be such that the tangent is 1 upon 5. On walking 138 meter towards the monument, the secant of the angle of elevation is found to be 1√193 upon 12. The height of the monument is. अब देखो क्या बोला गया, at a point horizontal line through the base of the monument. तो यहाँ पे एक monument ऐसे हम लोग draw करते हैं, तो यहाँ से एक लाइन लेते हैं जहाँ पे टेंजेंट इस 1/5, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि दूर दूर से ही आप आगे जा रहे हो, क्योंकि देखो उसके बाद लाइन दिया हुआ है कि ऑन वॉकिंग 138 मीटर्स टुवर्ड्स द मोनूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद दूसरा वाला एंगल, तो हम लोग इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है सर, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/5 दिया हुआ है, और सेक थीटा सेकेंड दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल्स टू √193/12, ठीक है सर। द हाइट ऑफ द मोनूमेंट्स इन मीटर, यहाँ से आपने वॉक कितना किया सर, 138 मीटर। यहाँ से आपने वॉक कितना किया, 138 मीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द मोनूमेंट h। सर यहाँ पे दिया था सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा दिया था, ये टेन अल्फ़ा दिया था। अब टेन अल्फ़ा क्या होता है सर, h अपॉन बेस, तो h अपन बेस बराबर 1/5, ठीक है। तो यहाँ से h अपन बेस बराबर 1/5 मिला, तो h बेस इक्वल्स टू कितना सर, बेस इक्वल्स टू 5h मिल गया हमें। तो ये वाला सेक्शन मिल गया हमें टोटल वाला 5h, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा का उल्टा, मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है सर। तो सेक थीटा अगर हमें मिल रहा है, सेक थीटा हमें मिल रहा है √193/12, तो हम लोग क्या यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 193/12 = 144 बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा मिल रहा है 193 - 144, तो 4 से 6 3 9, ठीक है, और 4 × 5 = 4 9, 49/144। तो यहाँ से tan थीटा कितना मिल गया सर, tan थीटा मिल गया 7/12, तो यहाँ से क्या हो गया सर, 7/12। तो h बराबर ये वाला छोटू वाला सर बेस, हम लोग b डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो h/b डॉट हमें क्या मिल जाएगा सर, h/b डॉट हमें मिल रहा है, यहाँ पे कितना आया था सर 144, उधर 49 यहाँ से आया था 7/12, ठीक है, 7/12। ये h डिस्टेंस, h हाइट था, ये h हाइट था। तो h/b डॉट क्या मिला, 7/12। तो यहाँ से b डॉट क्या मिल जाएगा, b डॉट मिल जाएगा 12h/7। ये छोटू सा डिस्टेंस कितना हुआ सर, 12h/7। अब देखो सर इन दोनों का डिस्टेंस का गैप कितना हो जा रहा है सर, मतलब टोटल बड़ा वाला डिस्टेंस, मतलब ए बी अगर हम लोग ले लें एंड ए सी माइनस करें तो हमें सी बी मिल जाएगा। सी बी का लेंथ दिया हुआ 138, ठीक है। तो यहाँ से 5h - 12h/7 बराबर कितना दिया हुआ है सर, 138 दिया हुआ है। तो यहाँ से 7 × 5 = 35, मतलब 12 - 12, 35 - 12 मतलब सर 23, 23h/7 बराबर 138। h इक्वल्स टू 138 × 7/23, ठीक है। तो 3 से कितना हो रहा है, 3 × 6 = 18, तो 23 × 6 कट जा रहा है, 6 × 138 आ रहा है, तो 6 × 7 = 42, तो 42 मीटर का हाइट हो जा रहा है मोनूमेंट्स का, ऑप्शन नंबर 3। मैंने बहुत स्लो आपको समझाने का कोशिश किया है, आप सही से एक बार फिर से रिपीट करके चेक कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा सीख के। ओके सर, अगर समझ में नहीं आता, अगर एक बार में समझ में आ जा रहा है तो ग्रेट सक्सेस। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।